मॉर्निंग। ये जीके का 38वां पार्ट है और आप में से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हमारा वीडियो समय से पहुंच जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न, पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है। पेशियां का मतलब मसल्स, मसल्स हड्डी से जुड़ी होती है। ये सवाल आया था, किससे जुड़ी हुई थी उनके बीच में क्या? तो मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती है, पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, टंडन से जुड़ी होती है, टंडन से। और आगे इससे जुड़ा हुआ अस्थि से अस्थि, यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी का हड्डी से जो जुड़ाव होता है अस्थि का अस्थि से, वो लीगामेंट कहलाता है, लीगामेंट से। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी सबसे बड़ा ऑर्गेन वो है लीवर, यकृत। ये 1.5 to 2 kg होता है, 1.5 to 2 kg होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेन, सबसे बड़ा तो लीवर है यानी यकृत, तो दूसरा है अग्न्याशय, अग्न्याशय। और एक सवाल आया था उसको भी देख लेते हैं, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। मानव नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमें किस भाग पे बनता है? तो इसमें ऑप्शन भी मैं आपको, कॉर्निया, रेटिना, पुतली, पुपिल को कहते हैं, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेटिना। रेटिना पे ही इमेज बनता है। और रेटिना पे इमेज आपको पता होगा या नहीं, ये उल्टा बनता है, लेकिन इंसान में मतलब ऐसी क्वालिटी है कि सामने वाला व्यक्ति हमें रेटिना पे उल्टा दिखने के बावजूद भी सीधा दिखता है। ये एक्सेप्शन केस है। वो ऐसे लेंस उतने ही हैं दुनिया में जितने लोग हैं। ऐसा कोई यंत्र नहीं तैयार हुआ है जो उल्टा दिखा करके सीधा दिखे। और हम लोगों को, एक दूसरे को हम उल्टा देखते हैं, इमेज उल्टी पड़ती है, लेकिन दिखते हैं सीधा। हमारे आँख की बनावट गोलाकार है, उसका व्यास 2.5 है, और किस ग्रंथि से अश्रु निकलता है? तो मतलब आंसू किस ग्रंथि से, किस ऑर्गेन से आंसू का? तो ये है लैक्रिमल। लैक्रिमल एक मतलब सिक्रीशन है, एक लैक्रिमल के सिक्रीशन से जो है टीयर, आंसू का आना होता है। एक सवाल है, श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? श्याम जी कृष्ण वर्मा बहुत मशहूर हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर है लंदन। जबकि कंफ्यूजन होगा कि भारत नहीं, लंदन में किया। और नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? और इसमें ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी कानपुर, सी इलाहाबाद, डी में है उपर्युक्त सभी। तो हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, तीनों जगह, ये तीनों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। जबकि और भी शहर हैं, पटना भी गंगा के किनारे है। तो नदियों के किनारे बसे शहर को हम जानते हैं कि कौन कौन है। तो आगरा यमुना नदी के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी के किनारे है, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, कर्नूल जो आंध्र प्रदेश में है तुंगभद्रा नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी है, लखनऊ गोमती नदी,
डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा ये चंबल नदी के किनारे है, बहुत मशहूर है, कोटा में लोग इंजीनियरिंग के कोचिंग के लिए जाते हैं और मेडिकल की, कटक महानदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे हैं, और संबलपुर ये संबलपुर महानदी के किनारे है। आपको पता है महानदी कहाँ है? पिछली वीडियो में बताया था महानदी उड़ीसा में है। तो ये रहा आज का टास्क, और सवाल की बारी आती है, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, तीन सवाल। पहला सवाल है कि पूर्वीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, और दूसरा सवाल मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, और तीसरा सवाल पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ठीक है फिर, थैंक यू।